चल पार्टनर, रात को अमेरिका की फ्लाइट पकड़नी है, तब तक तेरा हो जाएगा ना। इनका पहला कोच होने के नाते आज मैं बहुत खुश हूँ। जितेंद्र कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की अगुवाई कर रहा है, तो ये मेरे लिए और हमारे इस क्लब के लिए बहुत ही गर्व की बात है। जितेंद्र आप कुछ कहेंगे? जो भी बेसिक्स मैंने सीखे वो यही रॉकी बॉक्सिंग क्लब में सीखे, और सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे यंगस्टर्स इस जगह की वजह से बॉक्सिंग के लिए काफी आकर्षित हो रहे। अच्छा राकेश जी, क्या ये बात सच है कि इस क्लब की स्थापना रॉकी मूवी के एक फैन ने की थी? जी हाँ, हमारे फाउंडर शिव शास्त्री जी आज USA जा रहे हैं, तो बस उनकी फेयरवेल के लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड स्टोरी, लेकिन इसके लिए मुझे रजत सर का अप्रूवल भी तो लेना पड़ेगा। तो ले लीजिए ना प्लीज, शास्त्री जी खुश हो जाएंगे। रजत जी के बहुत बड़े फैन है शास्त्री जी, प्लीज। मैं कोशिश करती हूँ। जितेंद्र तुम भी, मैं नहीं जानता था कि आप लोग भी आओगे। भाई मुबारक, चैंपियनशिप जीत ली है सर, आपका आशीर्वाद था सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। ये छोटा सा है, ये तो बहुत बड़ा गिफ्ट है। क्या यार तुम भी है। ये सब बच्चों का प्रोग्राम था सर, मैं तो इनका साथ दे रहा हूँ। थैंक यू बहुत बहुत। और आपके लिए एक सरप्राइज होगा सर। राजेश जरा रजत सर को फोन देना प्लीज। ओके, आपका नाम क्या हुआ? शिव शंकर शास्त्री सर। शिव शास्त्री, अच्छा सर को बोलना शिव शास्त्री है लाइन पर। सर जोयता जी का फोन आया, शिव शास्त्री जी से बात कर। सॉरी सर। अरे रजत शर्मा जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, मैंने आपकी अदालत का हर एपिसोड देखा है, बार बार देखा है। और ऑडियो एक बार देख लेना, 1-2 1-2 ऑडियो, ठीक है? पर आप मुझे से छोटे इंसान के साथ ऐसे ये इंटरव्यू? अरे शास्त्री जी, छोटा या बड़ा इंसान अपने काम से होता है। आपने लोग को बड़े सपने दिखाए हैं, और जिन्हें लोग छोटा कहते हैं तो जज्बे को बदला है। और आपके बॉक्सिंग रिंग ने विजेंदर और जितेंद्र जैसे दिग्गज बॉक्सर देश को दिए हैं, तो देश की जनता को आपके बारे में पता तो होना चाहिए। आप क्या पूछेंगे सर, थोड़ा सवाल तो बता दीजिए प्लीज। अब पूछना क्या है कि आपके जैसे लोगों ने प्लेयर्स को कैसे इंस्पायर किया, कैसे आप इस मुकाम तक पहुंचे, एक बॉक्सिंग रिंग को आपने सपने पूरे करने का जरिया कैसे बनाया? पहला इंटरव्यू, इसलिए थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूं सर। भाई घबराने की जरूरत नहीं है शास्त्री जी, जब रिंग में आपके बॉक्सर नहीं घबराते तो आप क्यों घबरा रहे हैं? लोग ऐसी जो रियल लाइफ स्टोरीज होती है उसको पसंद करते हैं, उनसे सीखते हैं। और आपकी स्टोरी में जो रॉकी मूवी वाला एंगल है ना, वो तो पूरी पूरी पिक्चर है अपने आप में, जबरदस्त। जी जी जी। अच्छा लोग बता रहे हैं कि आप अमेरिका जा रहे हैं? जी सर, मेरा बेटा ओहायो में रहता है, तो अब रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी उधर ही अमेरिका में गुजारूंगा जी। अरे वाह ग्रेट। अरे भाई अब तो आप रॉकी के कंट्री में होंगे। आप ऐसा करो कि वहाँ पहुँचते ही आप मुझे रॉकी स्टेप्स का एक वीडियो बना के भेजो, एकदम रॉकी फिल्म की तरह भागते हुए। और जब आप इंटरव्यू दिखाएंगे ना, उसमें वो ओपनिंग शॉट होगा। वैसे ये रॉकी स्टेप्स है कहाँ? फिलाडेल्फिया में। जी जी फिलाडेल्फिया। तो मैं वहाँ पहुँचते ही रॉकी स्टेप पर अपना एक वीडियो बनाकर आपको भेजता हूँ। नो नो आई एम रेडी नाउ। या रेडी। अच्छा शास्त्री जी सेफ फ्लाइट। जी जी मैं जाते ही अपने बेटे को बोलूंगा। अच्छा जी बाय बाय। जी नमस्ते। Please.
Sir, step away from the camera. Name? Shiv Shankar Shastri, sir. What's your business here in America? So I'm a retired man from the bank now in India. I lived here there in Madhya Pradesh. Now I'll be staying with my son, Dr. Rahul, in Mason, Ohio. And I will live here only now. And I have also going to go to Philadelphia to on the steps of Rocky. And Rocky steps? Yes, yes. Oh, man. Rocky, thank you. You went there? Oh, I'm familiar. Oh, and sorry for small information. Hey. Does Sylvester Stallone come there? Welcome to America. What are you playing? Fortnite. Fortnite? Advait, can you explain it properly? Fortnite's a gun game where you have to do quests, and when you do quests, you get XP, and when you get XP, you level up. Hey, wow. कितने बढ़िया से बढ़िया इंग्लिश मीडियम स्कूल में चले जाओ लेकिन इंडिया में ऐसा एक्सेंट सुनने को नहीं मिलता है भाई एक्सेंट से क्या होगा पापा अमेरिकन एक्सेंट से बस वेटर की नौकरी मिल जाएगी पूरा दिन तो ये फोन पे लगा रहता है इसके पास पढ़ने के अलावा हर चीज के लिए टाइम है ऐसा मत बोलो यार ही इज अ गुड बॉय राइट अद्वैत राहुल बेटा तुम्हारे घर पर इंडिया टीवी आता है इंडिया टीवी कौन सा वाला अरे रजत शर्मा वाला भाई डैड वी हार्डली वॉच एनी टीवी टाइम ही नहीं मिल पाता है और वैसे क्या आ रहा है इंडिया टीवी पर मेरा इंटरव्यू अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज है अच्छी न्यूज है It is very prestigious. पूरा एक एपिसोड मुझ पर कर रहे हैं वो चाहते हैं कि मैं फिलाडेल्फिया में जाकर रॉकी की सीढ़ियों पर अपना एक वीडियो बनाकर भेजूं तुम्हें तो पता है रॉकी वाली बातें तुम बचपन से सुनता आ रहा हूँ आप और आपका रॉकी तो कब आ रहे हैं आपका एपिसोड बस जैसे ही हमने वीडियो बनाकर भेज दिया वो दिखा देंगे So cool. तो बेटा कब बनाकर भेज सकते हैं Whenever you have time. But what are the need exactly? अरे नीड क्या बस वो भी चाहते हैं कि मैं भी फिलाडेल्फिया की सीढ़ियों पर चढूं और फिर पीछे म्यूजिक बजेगा पपररा 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 यू दादा यू नीड अ शावर अद्वैत दैट्स रूड ही हैड अ वेरी लॉन्ग जर्नी इट इज ओके हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक अ शावर वंस योर फादर यूज्ड टू टेक ट्वाइस वंस ऑन मंडे एंड वंस ऑन सैटरडे बेटा तुझे पता है मुझे लंबी फ्लाइट अच्छी नहीं लगती है पर अब मैं रिटायर हो गया हूँ अब तो तुम्हारे पास ही रहना है मुझे हटाओ यार यहाँ से ये कैसा कुत्ता है घर वालों पर ही भौंकता है हटाओ इसको और ये बेडरूम में क्यों घुसता है इसको गेट पे बांध कर रखा करो यार कैस्पर आउट नाउ असल में बच्चे जिद कर रहे थे इसलिए खरीद लिया था डोंट वरी आई सेंड देम बैक टू रेस्क्यू नो पापा प्लीज यू कांट रिटर्न कैस्पर बट वेट वी टॉक्ड अबाउट इट यू नो ग्रैंडपा डजंट लाइक डॉग्स अरे यार मुझ पे मत डालो वरना सब कहेंगे कि दादाजी ने आते ही कुत्ता निकलवा दिया अब बच्चों का मन है तो चलो रहने दो लेकिन मेरे कमरे में नहीं आएगा ये कैप्सूल
पापा हो गई इनकी जिद पूरी. The thing is they wanted a dog but nobody wants to take his responsibility. I'm the one who has to wash him and feed him and take him out. Come on, say good night to papa. Good night. Good night beta. Chalo good night papa. अरे सुनो जी, एक मिनट जी. कमरे के साथ बाथरूम अटैच्ड है ना? यहाँ यहीं पे प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है ना, बीच में उठना पड़ता है जाना पड़ता है. ठीक है, डोंट वरी एंड लेट मी नो इफ यू वांट एनीथिंग. ओके गुड नाइट. मुझे जेट लैग नहीं होता, 5-5 किलोमीटर चलता हूँ मैं इंडिया में. It's your lunch. Aloo Parantas again? We had this for like the past 3 days. I was stomachy. What excuses? Guys, we have to go to school. Come on, guys. Chop, chop. I'm getting late. Come on. Papa, मैं और अलका आज जल्दी आ जाएंगे. अलका के साथ पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है. ठीक है. डैड, एक्चुअली मैंने ना रोटियां बना के रख दी और सब्जी फ्रिज में रखी है, तो आप सिर्फ माइक्रोवेव कर लेंगे ना? आप फिक्र मत करो बेटा, मुझे घर का काम आता है, इतने साल अकेला रहा हूँ मैं, मुझे माइक्रोवेव भी चलाना आता है. Perfect. Thank you. I'll wait for you in the car. Okay? I'm just coming. See you there. Quick, quick, guys. Oh, okay, come on, guys. Bye. Come on, we gotta go. We're getting late. Bye, Casper. Bye. तो आपका आज का क्या प्लान है? अरे मैं छुट्टी पे थोड़ा ही हूँ. आप तो यहीं रहना, जो दिल करेगा करूँगा. अच्छा, ये चाबी रख लीजिए और अगर भाग जाए तो जरा ध्यान से चाबी जरूर लेते जाइएगा. ओके, टेक केयर. पापा, आई एम हैप्पी यू आर हियर. थैंक यू बेटा. Want me to lock Casper in the basement? You're not scared, right? He won't bite, I promise. Friendly hai. Okay? Oi. I said no. Yes, officers. 142 Maple Avenue. Yeah, I'm standing outside. Oh, there. That's me. Go. Thank you, officer. Papa, theek to hai na? He's good. But please explain to him. This was a Class C misdemeanor. He could have went to jail. I just gave him a $75 ticket. I let him off easy this time. Thank you, officer. I apologize. Thank you, officer. Thank you.
हुआ क्या था? अजीब कंट्री है तुम लोगों की, दूर दूर तक रास्ते में कोई बाथरूम ही नहीं, और तुम्हें तो मेरा प्रॉब्लम पता है, मुझे झाड़ के पीछे जाना पड़ा और उसके $75 लग गए। But Dad, this is not India. I know, but $75? $75, मतलब 5,500 रुपया। पापा, forget about the $75. It's not important, ठीक है? Luckily I was around और मैंने उनसे बात की, वरना तो ये लोग आपको अंदर कर देते थे। Anyway, आप अंदर चल के रिलैक्स कीजिए, it's all right. Sorry, भाई. मैं उन्हें समझा दूँ, बात करता हूँ। It's embarrassing. I just hope neighbors ने नहीं देखा। फोन लाया, brand new. अब आप जब बाहर जाएंगे तो आप मुझे फोन कर सकते हैं. And I must be dying. Thank you, बेटा. क्या जमाना आ गया है. फैमिली मेरी है, तस्वीरें कुत्ते की लगी है। पहले कभी किसी 60 साल के आदमी को डांस करते नहीं देखा? तुम हमारा योगा ले सकते हो, लेकिन हम तुम्हारा जुम्बा ना करें। अरे मेरे कैप्सूल आ गया पॉटी करके। अरे वाह, लगता है आप लोगों की दोस्ती हो गई। हाँ हो गई। अरे आपके सारे बॉक्सेस आ गए ऊपर, कमरे में रखे हैं। अच्छा ठीक है, एक बात तो मेरी समझ में आ गई बेटा। क्या? कि सारे अमेरिकन्स के घर में कुत्ता क्यों होता है? क्यों? क्योंकि इंसानों के लिए एक दूसरे के पास टाइम ही नहीं है। I have an idea, Bob. What is the idea? Why don't you take Casper for a walk every day? Good idea. That way you'll never get lost. अब नहीं मैं घूम होने वाला, हाँ? हाँ। बस जाने से पहले बाथरूम जरूर हो आइए। कहाँ जा रहे? बाथरूम। अरे पापा।
is it, Dada? Boxing gloves? These are not ordinary boxing gloves. They're Rocky gloves from the film Rocky. These are very rare. Who's Rocky? Oh, I got it. It's that Schwarzenegger movie, right? No. Not Schwarzenegger. It's not about how hard you hit. It's about how hard you get hit and still keep moving forward. Sylvester Stallone from Rocky Balboa. तुम लोगों को रॉकी के बारे में नहीं पता? मतलब किस तरह के अमेरिकन कपूत हो तुम यार? राहुल ने तुमको रॉकी नहीं दिखाई है? Hey you guys, you guys are still up? सुबह स्कूल है ना बच्चों? Uniforms okay? And Dadu must be tired too. बस अभी सो रहा हूँ. Good night. Good night, mom. Dada, tell us about the Rocky movie. Rocky is not a film. It's an epic. An epic. Like, according to me, there are only three epics. Ramayana, Mahabharata. Have you heard about that? And the third is Rocky. Why do you like Rocky so much? Yeah, why do you like Rocky so much? It's literally just a movie. Why do I like Rocky so much? Why do I like Rocky so much? कभी कभी जिंदगी में कुछ पिक्चर्स आती हैं जिसे देखकर आपका जिंदगी के प्रति रवैया बदल जाता है. जब तुम लोगों की दादी स्वर्ग से धारी थी तो I know. When your grandmother passed away, your father Rahul was just 7 years old, maybe. He was Advait's age. She used to be sick. उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी. लेकिन मुझे वो नोटिस करने का वक्त ही नहीं था. मैं जिंदगी की भाग दौड़ में इतना उलझा हुआ था कि जब वो अस्पताल पहुंच गई तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वो बहुत बुरी तरह से बीमार थी. कुछ दिनों बाद वो चल बसी. शी डाइड. उसकी मौत से मैं हिल गया, टूट गया. I blamed myself for that. I felt guilty. So मैंने काम पर जाना बंद कर दिया. बस खाता रहता था, पड़ा रहता था. और खाते खाते मेरा वजन बढ़ गया. फिर एक साल बाद मुझे मेरा पहला हार्ट अटैक हुआ. हॉस्पिटल में एक दिन मैं लेटा था तो टीवी पर रॉकी फिल्म चल रही थी. मैंने वो फिल्म देखी और उसका म्यूजिक सुना तो मेरी लाइफ चेंज हो गई. I'd never seen such an inspirational film ever in my life. I started watching it again, and then I identified with Rocky Balboa. You see? Even now, मैं जब भी रॉकी का म्यूजिक सुनता हूँ मुझे लगता है मैं बिस्तर से उतरकर पुशअप करने लग जाऊं. So how come you didn't want dad to be a boxer? मैं भी चाहता था कि पापा बॉक्सर बने, लेकिन उसको बॉक्सिंग से इतना डर लगता था कि वो जॉकी के बॉक्सर भी पहनना नहीं चाहता था. Yeah, dad, you would have been a terrible boxer. पर अब सोचो, अगर रॉकी नहीं होता तो मैं राहुल को कभी अमेरिका नहीं भेजता. अगर वो अमेरिका नहीं आता, he would have not met your mother. And if he had not met your mother, we would not have happened. That was a good story, Dada. Good night. Good night. Good night. यार मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, तुमने अपने बच्चों को रॉकी फिल्म नहीं दिखाई. पापा ये डिफरेंट जनरेशन है, इन्हें रॉकी क्या मालूम. रॉकी का जनरेशन से क्या लेना देना भाई. रॉकी इज़ अ फिलॉसफी, एक सीख है. ये फिलाडेल्फिया यहाँ से कितनी दूर है? फिलाडेल्फिया आई थिंक 12 से 15 घंटे बाय रोड.
मैं जब भी इंडिया फोन करता हूँ वो वीडियो के बारे में पूछते हैं। उनका एपिसोड तैयार है, बस ये वीडियो भेजना बाकी। कौन सा वीडियो? अरे राहुल, फिलाडेल्फिया के स्टेप्स पर मेरा दौड़कर भागने वाला वीडियो। मैं हर वीक तुम्हें रिमाइंड करता हूँ और तुम पूछ रहे हो कौन से वाला वीडियो। पापा, फिलाडेल्फिया जाके घूम के वापस आने में 10 दिन तो लग ही जाएंगे ना। और आपको पता है अलका और मेरी एमएस की पढ़ाई चल रही है, अर्जुन का भी 10th है और आपको रॉकी की पड़ी है। ऑनेस्टली पापा, एट दिस पॉइंट दैट्स आवर लास्ट प्रायोरिटी। पापा, आपका दिन नहीं कट रहा इसलिए आप ये सब फालतू चीजें सोचते रहते हैं। Why don't you keep yourself active a little? एक काम कीजिए, आज से अद्वैत की जिम्मेदारी आपकी। रोज उसे स्कूल बस तक ले जाना, वापस लाना, होमवर्क कराना आप संभालिए। इससे अलका और मेरी हेल्प भी हो जाएगी और आपका भी मन लगा रहेगा। एंड दैट फिलाडेल्फिया ट्रिप, गर्मी की छुट्टियों में अच्छा सा प्लान बना के चलते हैं, ठीक है? और दाढ़ी बनाइए, यू'ल फील फ्रेश, यू'ल फील बेटर, बी हैप्पी दैट। तुम्हारे बाप के पीते भी मैं ऐसी मानता था, उससे कभी अपने जूते के पीते नहीं। Dad, there's nobody there. You don't have to look. Yeah, but it's important. When you're crossing the road, you look left, then you look right. Okay? Okay. आज से मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने जाऊंगा बस से, ठीक है? और मैं ही लेने आऊंगा। You wait for me when the bus comes. You stop here. Okay. Hello, Harry. Grandfather. Grandson? That's my son, Bob. How are you? Hanging in there. Hardly even spring, and it don't feel like spring at all, huh? Global warming. Sure enough, sometimes I do feel those damn hissy fit liberals. All right. Yes, yes. कौन सी इंग्लिश बोल रहा है? He was saying. अरे तू तो हिंदी में बात करना यार. हिंदी. Speak Hindi. तो फिर हिंदी सीखो. गोरों के बीच तभी तो बात हो सकती है. तुझे क्या लगता है हमें आजादी कैसे मिली? You have to be careful. It wasn't my fault. I was driving and the other guy hit. When is it your fault? Anytime. In your life, anytime. Do you make any mistakes? Any fault? Please, next time you give your car to her or buy her another car, I just cannot be without car. Come to work tomorrow, yeah? Casper! Hang on. Hi. Come here. Time for a walk. Yeah? मैं ले जाऊँ इसे घुमाने. पक्का? हाँ, तुम ऑफिस का काम करो, मैं ले जाता हूँ इसे. All right. Here you go. You know your way around, right? अरे of course, सब पता है मुझे यार. Bye. चल बेटा. अरे पापा. ये. ठीक है. अजीब देश है, इंसान झाड़ के पीछे पेशाब करे तो
पुलिस पकड़ लेती है और 5,500 रुपया जुर्माना हो जाता है, लेकिन कुत्ता कहीं भी हक सकता है। चल बस कर। मैं शुद्ध शाकाहारी शास्त्री हूँ, ये मांस मछली खानी बंद करनी पड़ेगी अगर मेरे साथ दोस्ती करनी है तो। ओ, बस नहीं आया। You from India? Yes. Which part? Whole body. Oh. Sardara malum. Unich ka joke. Oh, okay. My Hyderabad. Aur aap? Madhya Pradesh. Advait ke dadaji aap? Yes, grandfather. And what is your granddaughter's name? Ah, Manjari. Manjari. Ah. मैं उनका घर में हाउसकीपर। आप इंडिया से अभी आए? आपको पहला नहीं देखा कभी? Yes, I'm a retired bank officer from India. Shiv Shastri, my son, Dr. Rahul Shiv Shastri, lives here. After retirement, I'm settling in America. You see. Howdy. Big pile up back there on the highway. Y'all looking like about an hour before that booger get over here. Yes, yes, yes. Okay. You have a good day now. Yes, yes, you also. क्या बोला उन्हें? मुझे इन भाई साहब की अंग्रेजी समझ में नहीं आती है। ओए, तेरे पल्ले कुछ पड़ा? मिस्टर अमेरिकन। इन्हें कौन? ये कैप्सूल है। My only friend in America. कैप्सूल गोली के? ना 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 ना, नाम तो इसका कैस्पर है, पर इसमें घुमाता हूँ, इसे खाना खिलाता हूँ, इसको पॉटी कराता हूँ, मैं इसको कुछ भी बुला सकता हूँ। क्यों मोगैम्बो? मैं इसको गब्बर सिंह भी बुला सकता हूँ। ना ना गब्बर। कैप्सूल, ओ टच करेंगे, उसको घास चले। हाँ, पिछले जन्म में ये गाय था। Where's the money you promised me, eh? I don't have this. Where's the money you promised me? I give you 2 weeks. Where's the money you promised me? Is it in your bag? Hey! Give me the money. It's just $5. $5 plus interest. I gave you 2 weeks for this. You got nice shoes. Take them off. Take them off! Stop it! Stop it! Go away! Go away! Go away? You come here and ask us to go away? You go back to where you came from, you old fella. Listen here, if you don't pay up, I'm gonna break your face, and I'm gonna break this old fart's face, too, you hear?
tomorrow, without fail. Don't tell Dad anything about this, okay? अर्जुन बेटा, रॉकी फिल्म में रॉकी कहता है, नथिंग हिट्स यू हार्डर देन लाइफ इटसेल्फ। तुम जाते हो स्कूल पढ़ाई करने, वो लोग आते हैं स्कूल मार पिटाई करने। गली के गुंडे हैं, गली में खत्म हो जाएंगे। चुपचाप पैसे दो और मामला खत्म करो। और एक बात याद रखना, जितना हो सके अननेसेसरी रिस्क को अवॉइड करना चाहिए। बाकी महादेव पे छोड़ दो। गुड नाइट। शाम को मेरे लिए वेट करना, मैं ही खड़ा रहूंगा। आज कैस्पर तो नहीं है? साहब तो नवाब है ना, बारिश पे वॉक पे नहीं निकलते, पैर गंदे हो जाएंगे। जब भी अपने दोस्तों को इंडिया में फोन करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं इंडिया को बारिशों में बहुत मिस करता हूँ। राजू की टपरी, वो तरपाल के नीचे अलसाना, गरम गरम पकौड़े खाना और चाय, मैजिक। अभी टपरी और तरपाल तो मैं नहीं ला सकती, पर मसाला चाय और पकौड़ा खिला सकती। सच्ची? हाँ। बस बहुत स्वादिष्ट पकौड़े थे, मगर पेट भर गया। तुम अपना रेस्टोरेंट खोल सकती हो, एल्सा के पकौड़े। हाँ, था मेरा भी कैफे एंजेला टी स्टॉल। एंजेला मेरी बेटी का नाम है। मैं भूल रही ना आपको शास्त्री जी, लाइफ में सब करें। ये मंजरी का फैमिली। और आपका? अब तो यही मेरा भी फैमिली 8 साल से। नहीं नहीं, इंडिया में। हाँ हाँ, मेरी बेटी और उसका फैमिली हैदराबाद में रहते हैं। उसको भी एक बेटी इसाबेल, जान मेरी उन्हों। अब क्या करें, आजकल तो सब होमवर्क पढ़ाइयाँ सब उसी में लगे रहते हैं। आजकल तो किसी के पास टाइम ही नहीं है, बस व्हाट्सएप, ट्विटर, वो फेसबुक, इसी में जिंदगी निकल रही है। तो आप 8 साल से अपनी फैमिली को मिले ही नहीं? एंजेला और उसके हस्बैंड भेजे मेरे को इधर। 2 साल काम करो, बोले पैसा बचाओ, फिर घर वापस आओ। बोले को भी मालूम था कि एक बार मैं इधर आई तो अटक जाती।
दो साल का 8 साल हो गया. पर आपका हस्बैंड? बहुत कलेजी आदमी था, बहुत कलेजी. शादी के टाइम उसके पास बहुत सारा ट्रक कार ट्रेल रान था. फिर इंजला के पैदा होने के बाद वो महीनों महीनों लॉली लेके गायब रहता था. फिर पता चला कि उसका चक्कर चल रहा पास का गांव में किसी से. मैंने एंजेला को उठाया और निकल गई. जो होगा ठीक होता. पर वाला मेरे लिए बनाया. ये क्या है? फुटका. नहीं नहीं, अब मैं नहीं पीता ना, दिन में भी नहीं और रात में भी नहीं. मैं पीता. पानी? इसमें छह पानी. Cheers. 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 Abed. Abed. चलो भाई जल्दी करो. अरे जल्दी करो. आपके लिए मैं कुछ लेके आई बना के. वेजिटेबल मेरे लिए? हाँ जी. आज वड़ा सांभर और तुम्हारा पसंद का चटनी, दो प्रकार का. आज तुम्हारा बर्थडे है नको. तो कोई खास बात है? तुमको मस्का मारी, एक मदद करते मेरी. अरे आज तो मैं शाकाहार के स्वर्ग में हूँ. आज मैं देवी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ. जुलाई में मेरी पोती का 13वां सालगिरह है. मेरे को इंडिया जाना. पैसा है मेरे पास, तुम टिकट बुक कराने में मेरी मदद करते. तो जो तुम्हारे साथ रह रहे हैं वो तुम्हारी टिकट क्यों नहीं करा रहे? ये तो गलत बात है. अरे कितनी बार बोले जी मैं उनको, कोई सुनता ही नहीं. 8 साल से 4 दीवारी में बंद हूँ, कोई नहीं सुनता. सिर्फ तुम्हारे से बात कर सकती मैं. तो मतलब तुम उन लोगों को बिना बताए टिकट बुक कराना चाहती हो? वो लोग नहीं भेजते मेरे को वापस. इतने कम पैसे में कौन गोरा काम करेगा उनके पास? जितना मैं कमाती मेरे दामाद को इंडिया भेज देते. उन्हें खुश हो जाता, उन्हें बैठे बैठे डॉलर आन मिल जाते. वो क्यों बुलाएगा मेरे को वापस? पर ये तो बॉन्डेड लेबर का केस है. मेरे को नहीं मालूम क्या है, मेरे को बस ट्रैवल एजेंट मालूम. तुम चलेगा मेरे साथ? हाँ. मैं मतलब हाँ हाँ खाओ. सबसे अच्छा फेयर हैदराबाद का $2300 और वो भी 4 स्टॉप्स, ओहायो, न्यूयॉर्क, अबुधाबी, मुंबई एंड देन हैदराबाद. बहुत ज्यादा है जी. हजार तक तो फिर भी ठीक रहता. $1000 तो फिर आपको हाफ फ्लाई करना पड़ेगा और दूसरा हाफ तैरना पड़ेगा. अब ये पीक सीजन है ना, तो फेयर भी तो पीक होंगे. एक ऑप्शन है कि आप यहाँ से बस ले लो न्यूयॉर्क की. और फिर न्यूयॉर्क से तो बहुत से फ्लाइट के ऑप्शन है, मैं भी चेक करता हूँ. हाँ. $1200 थोड़ा कैश देगी तो चलता. ठीक है चलेगा. ठीक है. बस का कितना होगा? वो तो सिर्फ $60 है और वो भी अब जब बस चलेंगे ना तो वहाँ अंदर ही दे देने का. और बस आपको मिल जाएगी पोस्ट ऑफिस से और रात को 12 बजे 10 घंटे की बस राइड है.
तो आप सो जाने का, सुबह में फिलाडेल्फिया वहाँ उतर जाओ और वहाँ से 2.5 आवर्स का है न्यूयॉर्क एयरपोर्ट टेक ऑफ। अपने फिलाडेल्फिया? हाँ फिलाडेल्फिया। मुझे बॉक्सिंग नहीं आती है, लेकिन इंडिया में बॉक्सिंग क्लब में मैं बच्चों को प्रैक्टिस करते देखता था। सो पहले तो चेहरा कवर करके रखो और पैर लाइट रखो। वेरी गुड। तो ये है जैब, करेक्ट, ये हुक, या और ये अपरकट। वंस अगेन, नाउ जैब, या वेरी गुड, अपरकट। अरे अर्जुन बेटा तुम भी सीख लो, तुम्हें ज्यादा जरूरत है इसकी। नो, आई एम। अरे आके सीख ले, यू मस्ट लर्न। दादा आई डोंट वांट टू लर्न बॉक्सिंग। ओके, if you were so, if you're so good at boxing, then why didn't you just punch them? They're messing up with you. You know what? This is not India. You and Dad think you know America. You don't. I'm the one who goes to school here. And you know what? It's ridiculous. Travel agent, bola mere ko, bolna NYJFQ jati. JFK एयरपोर्ट जाती। पहली बार इधर आई तो इतनी नर्वस, समझ नहीं आता क्या करना, किसको पूछना, किससे कैसे बात करना, कुछ नहीं। और उतरते ही इरिगेशन वालों ने पकड़ा। इमिग्रेशन? विच। और इतना सवाला पूछा मुझसे, इतना सवाला पूछा, तो रो रही। फिर जाने दिया बेचारी बोल के। 8 साल से इधर ही, कहीं नहीं गई, इसलिए नर्वस रहती। फिर तुम्हारे लिए चखना लाइक थोड़ा ज्यादा बनाई, थोड़ा याद याद रखना। मैंने इंडिया में कुछ रुपए कन्वर्ट कराए थे डॉलर्स में। यहाँ तो मेरा कोई खर्चा है नहीं, बेटे के पास रह रहा हूँ। तुम इसे रख लो, रास्ते में काम आएंगे। नको, नको। तुमने मेरा बहुत मदद किया ना, बहुत है। हैप्पी जर्नी। तुम कैस्पर भी तुमको बाय बोल रहा है, वो भी तुमको मिस करेगा। हो बाबा, मैं जानता हूं बस फिलाडेल्फिया से होकर जाती है, पर अब हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, सोचना भी मत, तुम पागल हो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम क्या? नहीं नहीं सर। Where are you headed, ma'am? Head? Where are you going? 1 minute. John F. Kennedy Airport Terminal C. Two tickets.
तो ठीक है, ओके, आई गेट यू इनसाइड। ओके, थैंक यू। तुम? अरे तुम्हारे पास फोन भी नहीं है, कैसे पता चलेगा तुम इंडिया पहुंच गई? तुम्हारी फैमिली? अब सारी फैमिली तो छोड़ने नहीं आ सकती ना। तुम्हारे घर का लोग फिक्र नहीं करेंगे? अरे अंदर बैठो ना बस में। इन्हें भी आ रहा? इन्हें भी मतलब? कैप्सूल? नहीं, तुम यहाँ कैसे आए? वो होम? कैप्सूल? पागल है क्या? तुम नहीं आ सकते, मैंने कहा तुम नहीं आ सकते, घर जाओ, घर जाओ, मैंने कहा घर जाओ, तुम मरता तुम्हारी बात। ऐसा काय को निकले जी, हल्लू करके, किसी को बताया भी नहीं। सुबह तुम्हारे को नहीं देखेंगे घर वाले तो परेशान होंगे ना। प्लीज वापस जाओ, जाओ। मैंने अपना और कैप्सूल का टिकट ले लिया है, अब तुम नहीं चाहती कि हम तुम्हारे साथ बैठें, तो हम कहीं और जाकर बैठ सकते हैं। ठीक है, मैं तुमको सच बताता हूँ, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ट्रिप नहीं लिया, मैं अपने लिए भी जा रहा हूँ। मैं तुम्हें एयरपोर्ट पे छोड़ के वापसी पे फिलाडेल्फिया जाऊंगा। I want to meet Mr. Rocky. और भी रिश्तेदार हैं तुम्हारे? रॉकी को नहीं जानती? रॉकी बैल्बोआ। My name is Rocky Balboa. The Italian stallion. को नहीं जानती? ऐसा फिल्म की शूटिंग देखने जाते? अरे इस फिल्म की शूटिंग हो चुकी है, जैसे हमारे यहाँ वो शोले फिल्म है ना, वैसे ही उतना बड़ा एपिक है। ओह, ये तो मेरी बोतल, मेरी बोतल, ओ ट्रिप के लिए, ट्रिप के लिए तो थोड़ा पानी। ठीक है, ठीक है। तुमको रॉकी की कहानी सुनाता हूँ। रॉकी बालबोआ एक बॉक्सर की कहानी है। कहानी शुरू होती है बॉक्सिंग की लड़ाई में, जिन्हें अपोलो जो कि नाम दौरान वो मिलता है एक लड़की जिसका नाम एड्रियन, पहले राउंड में जोरदार धक्का लगता है, वो लड़ना चाहता है, वो लड़ने के लिए समझ रही हो ना। पहुंच गए क्या? अभी तो ढाई घंटा हुआ है, लगता है टॉयलेट ब्रेक है, जरूरी भी थी। तुम्हें बाथरूम जाना है? पहले मैं इंडिया जाती, उसके बाद जहाँ जाना चाहती। ठीक है, मैं कैप्सूल के लिए पानी लेकर आता हूँ, फिर पता नहीं गाड़ी कब रुकेगी। हाँ। मेरे पास है छुट्टा, मैं देती। ए! चोर, 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 थीफ, थीफ, पुलिस, चोर, पकड़ो इसको, चोर। अरे मेरा पास उसमें होता, मेरे उसमें टिकट होता, पासपोर्ट होता, शास्त्र जी मैं क्या करती, मैं हैदराबाद कैसे जाती, इसाबेल को कैसे मिलती है, और मैं क्या करती, वापस भी नहीं जा सकती, मेरा पास चाहिए, मेरा पास होना। So we were standing there and she was there and then he snatched away and ran away. Yeah. All right, listen, if I hear anything, I'll let you know, okay? Yes, please. Thank you. Mike, come on, let's go.
पुलिस वालों का कहना है कि बैग के मिलने के चांसेस बहुत कम है। इस इलाके में स्नैचिंग वगैरह होती रहती है। अब सोचना यह है कि आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। मैं क्या करूं? मैं वापस भी नहीं जा सकती। अगर वो लोग मुझे वापस भी लिए तो ताले में रखेंगे मेरे को। 8 साल लगे मेरे को वो पासपोर्ट लेने को। 8 साल मेरे पास पासपोर्ट नहीं, पैसे नहीं। क्या करूं? मुझे समझ में नहीं आता है क्या करूं। कुछ नहीं मेरे पास। इंडियन काउंसुलेट को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि डुप्लीकेट पासपोर्ट के चांसेस क्या हैं। आधा हिंदुस्तान भरा पड़ा है यहाँ पर, कोई तो होगा जो हमारी मदद करने के लिए तैयार होगा। Breakfast. Why are you asking me? Ask Elsa. But she's not in her room. Dear Rahul, मैं तुम्हें आधी रात को जगाना नहीं चाहता था। अगर मैं जगा भी देता तो भी तुम मुझे ये करने देते? मैं न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया की एक छोटी सी ट्रिप पर जा रहा हूँ। 4-5 दिन में आ जाऊंगा। मैंने जीवन में कभी भी अकस्मात फैसले नहीं लिए हैं, लेकिन शायद कभी कभी आपको सही चीज के लिए फौरन फैसले लेने पड़ते हैं। मेरी चिंता मत करना, कभी मुझे सेलफोन पर कॉल कर लेना। और वेंसडे को होने वाले डिवीजन टेस्ट के बारे में अर्जुन को कुछ नहीं आता है, प्लीज उसके साथ बैठ लेना। आई मीन राइट, यू नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट अर्जुन। आई आस्क्ड यू टू प्रैक्टिस। सीरियसली अलका, दैट्स योर कंसर्न राइट नाउ? मेरे बूढ़े बाप घर से चले गए। आई मीन वापस हाईवे पे चलते हैं। जी, जरा पकड़ के रखना था जी मैं बैग। अरे उसके बारे में तुम्हें जितना रोना था तुम रो रही। अब आगे देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। चलो मेन रोड पे चलते हैं। जगह पैरा बहुत दुख रहे। देखे इधर क्या मिलता। ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। चल ये भी थक गए। चल एक्सक्यूज मी, कैन आई प्लीज हेल्प यू? आई मीन can you please help us? Help? No free help here. Does this look like a tourist information center? Come on in. Sorry, chalo yahan se chalte hain. 5 kilometers se chal rahe, pair dukh rahe mere. Agar yahan kya ho raha dekh rahi hu na? Elsa. Elsa. So what can I get ya? Can I have milk? No, I meant 2 glass beer. Yes, beer. Who wants to dance here? No, I can't dance. Oh, come on. They say an early morning lap dance is good for you. I'm okay. I'm fine, thank you. All right then.
पैसे मांगती शायद. ओके. Do you take credit card? Does this look like a credit card machine to you? No, no. Thank you. Kaha phasa diya? $10. $10? How can I help you? So, I want to know, we want to know, do you know any Indian family in this area? Indian? Like red Indian? No, no, not red, brown, brown. India, Indian. Hey, do you know of any Indian guy that lives around here? Yeah, cinnamon guy from Route 32 gas station. Is he Indian? Is he Arab? Cinnamon. He is from India, from Punjab. Yeah. There you go. Thank you. How far does he live? I told you already. No free questions. Okay. Two more beer. क्या कर रहे हो? तुम तभी तो पूछ सकते ना. नहीं तो नहीं बताती. पी लो पी लो. थोड़ा थकावट निकलेगा. Cheers. Yep, that's me. Amazing music, trust me. Oh, is it free? Not free, sir. But summer sale's going on, so you can get it for $7. Very cheap. Seven? Yeah, very cheap, very cheap. I'd rather buy cigarettes for $7. Sir, cigarettes. You buy cigarettes, you get cancer. You buy this, you become dancer. Check this out. Na rakhiya goriya wala cinnamon sing o dak ke duniya bole sing is king. You know, I'd rather die of cancer. Uncle ji, just check my moves. Uncle, oh mote budde, oye. This guy, you can't make this up. What the hell is he doing? Where is he? Can't get a fit. Too much beer, that is why. Oh, Harley Davidson. In India also the market coming. How much mileage it gives here in America? Oh, you know bikes, hey, old uncle, man. Uncle ji, अरे why did you pee here? आपका दिमाग खराब हो गया है, पेशाब कर रहे हैं. Hey guys, sorry, sorry. He is my uncle from India. He's Eddie. हाथ मिलाइए. Anyways, bye bye guys. See you. Bye. See ya. Get out of here, Grandpa. आप क्या माइलेज वाइलेज पूछ रहे हैं इनसे? अगर मैं नहीं आता ना तो मार मार के आपका माइलेज कम कर देते. अरे वो हम एक क्लब में गए थे, वहाँ पर नंगी लड़कियाँ थी, उनसे हमने पूछा कोई आस पास हिंदुस्तानी रहता है तो उन्होंने यहाँ का पता दिया. तुम हो वो हिंदुस्तानी? हाँ वो तो. बट अब चलिए, ये आपकी वाइफ को भी बुला लीजिए. मेरी वाइफ नहीं है. एल्सा, और उसमें पासपोर्ट भी था. फिर इनको पीने की आदत है और फिर रास्ते में रुक गए, वहाँ पीने लगे तो इन्होंने जबरदस्ती मुझे भी पिलाई. यहाँ पहुँचे तो पेड़ के पीछे मुझे बाथरूम जाना पड़ा. क्यों गया? क्यों गया उधर? क्यों पिए थी? तुम उधर बाथरूम क्यों गया शास्त्रा जी? वाहेगुरु जी, ना सारा एडवेंचर इस उम्र में. अब आप ये बताइए कि आपको मुझसे की चाहिए? मेरे को पासपोर्ट होना. पासपोर्ट? हाँ. मतलब इनको किसी तरह से आप डुप्लीकेट पासपोर्ट का इंतजाम करवा सकते हो फ्रॉम इंडियन टू इंडियन?
अंकल जी डुप्लीकेट पासपोर्ट को ना काम से कम 2 हफ्ते लगते हैं। 2 हफ्ता? 2 हफ्ता तो लगेगा। आपको कैसे मालूम? और मैं खुद 2 बार ही घुमा चुका हूँ, एक्सपीरियंस है जी। इसको कहते हैं डेस्टिनी। जैसे रॉकी को उसका ट्रेनर मिला था ना मिकी, उसी तरह से हमको ये पासपोर्ट एक्सपर्ट मिल गया है सिमन सिंह। ओ अंकल जी, सिमन सिंह नहीं, सिनेमन सिंह। और जैसे हनी सिंह वैसे ऐसी सिनेमन सिंह। 2 हफ्ता हम लोग क्या करेंगे शास्त्रा जी, कहाँ जाएंगे? 2 हफ्ता हम क्या करेंगे सिमन सिंह जी, मेरा मतलब सिनेमन सिंह जी। मैं की बताऊं जी, और आप हर बात मुझ पे क्यों डाल देते हैं? एक तो वो यहाँ पे पेशाब कर दिया आपने मेरे स्टेशन के बाहर, ऊपर से वो गोरों के साथ पंगा ले लिया। और मुझे तो ना आप लोगों के लिए पुलिस बुलानी चाहिए। पुलिस क्या करेगी जी, $75 ले लेगी पेशाब करने के। बाबू हमारा मदद करो प्लीज, मेरे को नको मत बोलो बाबू। अरे सिनेमन जी, ये मेरे पास $200 है और ये मेरा ATM कार्ड है, इसमें अगर हम 2 हफ्ते के लिए 2 कमरे किसी होटल में बुक करवा सकें तो बड़ी मेहरबानी। ये कार्ड? हाँ। लोक भारती कोऑपरेटिव बैंक मध्य प्रदेश जी, ये मध्य प्रदेश में ही चलेगा जी। तो 2 हफ्ता मैं इधर काम करती? मैं भी कर लूंगा। अरे भाई यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, आप लोग जाइए। देखो बाबू, 8 साल से मैं वो घर में बंद थी, 8 साल से एक एक पैसा चिल्लर चिल्लर जमा कर दी और इंडिया की टिकट खरीदी। मैं मुफ्त में घर दो नहीं बोल रही, मेरे को काम करने दो, जितना होता उतना पैसा दो पासपोर्ट मिलने तक बस। आप दोनों एक्टिंग कर सकते हैं? कौन एक्टिंग? हेलो। हेलो राहुल बेटा। हेलो पापा, आप हो कहाँ? ये कौन सा नंबर है, आपका सेल फोन कहाँ है? बेटा मैं स्टोर के फोन से बात कर रहा हूँ। Why'd you turn the TV off? मैं जल्दबाजी में अपना फोन तो ले आया लेकिन वो चार्जर लाना भूल गया था। Seriously पापा? बेटा तुम कैस्पर की चिंता मत करना, वो बिल्कुल ठीक है। पापा मेरे डैड घर से भाग गए। कुत्ते की चिंता मैं बाद में करता हूँ, पहले मुझे बताइए आप हो कहाँ, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। मैं शायद पेंसिल्वेनिया में हूँ। पेंसिल्वेनिया में क्या कर रहे हैं आप? बेटा तुम मेरी चिंता मत करो, मैं इससे पहले भी बहुत साल अकेले रह चुका हूँ। बस 2 हफ्ते की बात है। 2 हफ्ते? आप तो 5 दिन की बात कर रहे थे। बेटा वो मुझे बुला रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा। और तुम फिक्र मत करना, मैं चार्जर मंगवा लूंगा सिनेमन सिंह से। सिनेमन? कौन सिनेमन? हाँ आ रहा हूँ पापा। हेलो, अमेरिका के गांव जैसा लगता है। हमारे पुराने वर्कर्स यहीं रहा करते थे जी। आइए आइए। ओ जी फ्रिज वर्किंग है एकदम, किचन थोड़ी साफ सफाई की जरूरत है वरना जगह बड़ी चंगी है। किचन है, फ्रिज है, बाथरूम है, बेड है। बेड तो शेयर कर लोगे आप? नको। नहीं नहीं कोई नहीं, यहाँ सोफा भी है, जिसको जहाँ मर्जी सो जाए। आज आप लोग आराम कीजिए, कल से काम शुरू करते हैं। एक बात और बता दो दोबारा ताकि बाद में सियापा ना हो। 9 to 6 आप मेरे गैस स्टेशन में काम करेंगे, उसके बदले में मैं आपको चाय, खाना, नाश्ता और यहाँ रहने की जगह दूंगा, ठीक है? मेरे लिए कुछ कपड़े ला सकते हो आप? आपके पास यही? हाँ। भाग के आए थे, मैं ले आऊंगा जी मेरा पासपोर्ट। आंटी जी उसको ना थोड़ा वक्त लगेगा जी। थैंक यू। ओ जी थैंक यू मत भूलिए, आपसे थोड़े और काम भी कराने हैं मुझे। सबसे पहले तो दोनों ना कट्ठे मेरे को एक फोटो दे दो। अरे ये विराट और रोहित जैसा डिस्टेंस क्यों बनाया है, थोड़ा नजदीक आओ। हाँ ये हुआ ना विरुष्का सेट। चलो जी इसका भी ले लेते हैं। ओ डॉगी स्माइल। कैप्सूल हम दोनों के काम का आज पहला दिन है। बेस्ट ऑफ लक बोलो और तुम घबराओ मत, शाम को आ जाऊंगा और आधी तुम्हें बॉक पे ले जाऊंगा, ठीक है? ओके बेटा, डोंट मेक दैट फेस प्लीज प्लीज। इसको ऐसे अकेले छोड़कर जाते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है।
अंकल जी, ये सवेरे सवेरे गैस स्टेशन का फोटो क्यों ले रहे हो? मैं फोटो इसलिए ले रहा था क्योंकि मुझे ये फोटो बेटे को भेजना है। वो भी यहाँ काम करने आएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं वो तो डॉक्टर है, पर फोटो इसलिए भेज रहा था ताकि वो परेशान ना हो। बिना बताए घर से आया हो ना, इसलिए। ये रख दीजिए। वो तो कोई गली नहीं हुई अंकल जी, मैं तो 7 बार ही घर से भाग चुका हूँ। नहीं नहीं, मैं तो पहली बार बिना बताए ऐसे निकला हूँ घर से। पहली पहली बार है? जी जी। वैसे एक बात तो बताऊं अंकल जी, घर से भागना इज लाइक सेक्स। पहली बार में थोड़ी दिक्कत होती है, बाद में मजा आने लगता है। क्या बातें कर रहे हो भाई सिनमन? नहीं नहीं, समझता हूँ जी, मैं बताता हूँ। नॉर्मली ना मिडिल क्लास इंडियन की लाइफ सोसाइटी को इम्प्रेस करने में ही निकल जाती है। 16 में इश्क होना चाहिए पर नहीं, बोर्ड के एग्जाम है। 21 में सेक्स करना है पर नहीं, नौकरी की चिंता है। और अगर गलती से नौकरी लग गई तो तुरंत शादी करा के खूंटे से बांध दिए जाते हैं और अगले दिन से गुड न्यूज की डिमांड शुरू। करियर के नाम पे घटिया सी नौकरी और खुशियों के नाम पे बच्चों की गुड स्कूलिंग। और जब रिटायरमेंट हो जाता है ना, तो सोसाइटी आपसे ये एक्सपेक्ट करती है कि या तो सुबह को आप मॉर्निंग वॉक पे जाओ या मंदिर, या नाती पोतों का ख्याल रखो या रात को टीवी पे बैठ के नागिन देखो। है कि नहीं? आपके साथ भी ऐसे ही हुआ होगा ना? नहीं, मेरी लाइफ तो डिफरेंट। अरे मैं बताता हूँ अंकल जी, ये अमरीकन क्या करते हैं, ये तो जवानी में इसलिए पसीने बहाते हैं ताकि शान से रिटायर हो सके। बच्चों को कह देते हैं, भाई तुम अपनी लाइफ जियो, हम अपनी लाइफ जियेंगे। कोई फिशिंग करता है, कोई पहाड़ चढ़ता है, पता नहीं क्या क्या करते हैं। अंकल जी ये होती है लाइफ। हैं? तुम्हारे यहाँ और कोई काम नहीं करता है क्या? कोई टिकता नहीं है अंकल जी। ओहो, मैं क्या, आप गई थी मधुबाला बनके और आई है अब जेन फोंटा बनके, है ना बालबुआ जी? पासपोर्ट? आंटी जी पासपोर्ट ना मैंने आपका अप्लाई करा दिया है, बट आगे आपका नसीब। चलिए गैस स्टेशन कैसे चलाते हैं जरा सीख लेते हैं। चलिए चलिए। सिंह हो तक के दुनिया बोले भाई सिंह स्किंग। पिंडाले मुंडे देखो छाए होए ने, पिंडाले मुंडे देखो छाए होए ने, ना रखिया गोरिया वाला सिनेमन सिंह। आएगा आएगा। आ रहा है। आंटी जी इधर जाओ। किधर? उधर जाओ ना उधर। अरे ये रहा। हाँ ये आई ना आवाज दे दो। क्यों नहीं हो रहा। सॉरी। और यहाँ पे चेंज है। तुम गाता? रिटन संग कंपोज्ड। टैलेंट देखो इसका फोटो। पहचान में नहीं आता है। बचपन से गाने का शौक था। बचपन में तो जी एस्ट्रोनॉट बनना था। और फिर? फिर क्या, पेट्रोल दे भाव बढ़ गए, बजट हिल गया, तो मैंने सोचा कि अब खुद का पेट्रोल पंप ही खोल दूंगा। माय लाइफ माय रूल्स माँ कार माँ फ्यूल। ओ मेरी स्पेशल डिलीवरी आ गई जी। चलो चलो आहो जी। पता है पहले ना अपने अंकल को मैं बड़ा कोसा करता था, पता नहीं कौन से उजड़े से गांव में आके फंसा दिया मुझे। बट देन प्यार केम इन माई लाइफ इन द शेप ऑफ अ डोनट। शुरू में तो सारे डोनट मैं अकेले ही खा जाता था ताकि डिलीवरी के बहाने में रोज सिया से मिल सकूं। Babe. My Nicole Kidman. OMG, you guys are so cute. Cinnamon told me all about you. It's so nice to meet you. Nice. Are, where did you get this from? He was on his way here, so I just picked him up. Yeh hai ji Bintu, mera best friend. Aur ye apne duplicate. Ek minute. Perfect hai bro. क्या बात है? Listen babe, I gotta go. I'm so late for this delivery. But guys, it was so wonderful to meet you and we should all get together, right? Yeah, yeah we should get together. See you guys soon. Bye baby. Bye. प्यारी है। Indian है? Half Indian है। मम्मी गोरी ते डैडी ब्राउन मुंडे। आंटी अपनी सनी लियोनी है ना? हाँ। बिल्कुल वैसी। मैं कोई और एग्जांपल नहीं आया तेरे को। आए, आए। तुम ठीक हो? हाँ, मेरे टांग के मसल्स में दर्द हो रहा है।
गर्म पानी लगा थी? नहीं नहीं, ये दर्द तो अच्छा है। इतने साल ऑफिस की कुर्सी में बैठकर मैं भूल गया था कलम घिसते घिसते कि टांग में यहाँ भी मसल होते हैं। मैं तो जिंदगी भर यही करती, पर शास्त्रा जी मेरे को बहुत बुरा लग रहा, मेरी वजह से तुम ये सब कर रहे। सॉरी, बहुत सॉरी। मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ। पूरी जिंदगी गुजर जाती है मिडिल क्लास लोगों के सपने देखते देखते, और फिर धीरे धीरे हम अपने सपने भूलकर अपने बच्चों के सपने पूरे करने में लग जाते हैं। मुझे लगता है कि मैंने पूरी जिंदगी अपना कोई भी अरमान, अपना कोई भी सपना पूरा ही नहीं किया, सब कुछ अधूरा सा रह गया। पर अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं फिलाडेल्फिया में रॉकी की सीढ़ियों पर चढ़कर महसूस करना चाहता हूं कि मैंने लाइफ में कोई काम तो पूरा किया, और मैं तुम्हें तुम्हारी पोती के पास भेजकर महसूस करूंगा कि मैंने एक और काम पूरा किया। कोई तस्वीर है तुम्हारी पोती की? दिखाओ। बड़ी हो गई होगी। बहुत प्यारी बच्ची है, लेकिन ये तस्वीर पे मूछें किसने लगा दी? ये बहुत लंबी कहानी है शास्त्रा जी। अरे तो पूरी रात पड़ी है, सुनाओ लंबी कहानी। क्या नाम है इसका? इसाबेल। ये उस जगह की तस्वीर है जहां मैं काम करता हूं, 1432 रूट 4 बेथलहम पेंसिल्वेनिया। मैं जानता हूं कि तुम्हें फिक्र है, पर मैं ये सब करके बहुत खुश हूं। मैं हर रोज तुम्हें एक तस्वीर भेजूंगा। अगर तुम्हें किसी दिन ये ना मिले तो तुम मुझे लेने आ जाना, मैं तुम्हारे साथ लौट चलूंगा। तब तक मुझे ये मेरी तरह से करने दो। डील? लव, पापा। बैलेंस $1 जी। थैंक यू, हैव अ गुड डे। हैव अ गुड डे अंकल जी। नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट। वेल, यू सीम टू हैव फाउंड वर्क हियर, दैट वाज फास्ट। आई आस्क्ड यू टू हायर मी एंड यू वोंट, यू गेट दिस गाय इंस्टेड। बडी, यू वांट टू स्मोक अप एवरी 3 मिनट, हाउ कैन आई टेक यू टू वर्क? बिसाइड्स ही इज माय अंकल, ही इज हियर जस्ट फॉर फ्यू डेज। योर अंकल, हह? डज ही हैव पेपर्स टू वर्क? इज ही इवन लीगल हियर? सर, कैन आई? Cut it out, buddy. $5, please. It's a friggin' dollar at Walmart. $3 more. जान दो, दुनिया में कहीं भी चले जाओ अंकल जी, लोग सेम ही मिलते हैं। एक वो जो काम करना चाहते हैं, और दूसरे कमीने जो काम करने नहीं देते। हाँ सिनवान जी, मगर मसला ये है कि अमेरिका है, यहाँ हर एक के हाथ में गन रहती है, कब चला दें पता नहीं चलता है। अंकल जी, मैं क्या अजय देवगन के फैंस इन अमरीकी शॉर्ट गन से नहीं डरते। हटो। Hands up! Hey! क्या कर रहे हैं? हसन मंजी, नीचे। असली है, असली। लॉक्ड है जी, घबराओ नहीं। होल्ड। ऐसे बंदा बहादुर बनता है। हाँ, रॉकी बालबोआ हो आप। स्टेडी। बेचा बेचा कहता
गहरा सो रहे तो मैं कस्पर को लेके चली गई। चीयर्स। राहुल बेटा मैं जानता हूँ तुम परेशान हो बट सिनेमन हैज प्रॉमिस्ड मी दैट ही विल गेट मी द चार्जर टुडे और अभी वहां मुझे कुछ लोग मिल गए हैं मेरे दोस्त बन गए हैं अब तुम चिंता मत करो हाँ गेट द हेल आउट ऑफ आवर टाउन फॉरेनर ये मैगजीन अंदर की ऐसे हाथ पकड़ा और ये लोड कितना चाहे हो फरानी ठसा कुमार जल्दी ना नशा है तो पहले जो नयन लगे जो अकन संग इसी करा दिल में बसा है Advait, come on. We're getting late. Hurry, hurry. And don't forget your water bottle. Rahul. Hi. We met at the parent-teachers meeting. Ah, okay. Manjari and Advait go to the same school. My name is Sanjeev. I live down the street. We are pretty much neighbors. Okay. Yeah, hamari maid Elsa hai. Kuch dino se missing hai. Meri beti bata rahi thi ki aksar aapke dad aur Elsa ki baat hoti thi bus stop par. हो सकता है उन्हें कुछ पता हो इसके बारे में क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ एक्चुअली क्या है कि पापा कुछ दिन पहले ही इंडिया वापस चले गए he's not really here okay sorry about that okay good luck with this we're getting late we got a rush oh sure thank you for your time come संजू एल्सा को गायब हुए कितने दिन हो गए it's been about a week now right yeah that's right we called her house in india she didn't go there also ye to aur bhi bura hua uske india jane se koi problem nahi hai tumhe andaaza bhi hai ye kitna serious hai ek naukrani ka passport zabt karke rakhna
उससे ब्रेक दिए बिना काम कराना, एंड दैट टू विदाउट गिविंग मिनिमम वेजेस, इट्स अ फेडरल क्राइम। व्हाट कैन वी डू नाउ? लकीली वो अभी तक पुलिस वालों के पास नहीं गई, अदरवाइज दे वुड हैव बीन हियर बाय नाउ। हमें उसका पता लगाना होगा इससे पहले कि वो किसी के सामने अपना मुंह खोले। लेकिन हम उसको ढूंढेंगे कैसे? वो तो यार, वो तो कहीं भी हो सकती है। How about this, that we put a police case on her saying that she stole some jewelry of mine or something like that? Chori ke case ka koi fayda nahi. Plus once the cops figure out nothing has been stolen, it can come back to bite us. Unless you have something discriminating that can pin her down. Sanjeev, how about that video? How old was Maya when this happened? She was 11, 12. This is good. This is really good. Ye to definitely domestic abuse hai. That too of a minor. It's a non-bailable offense. If we put this out, no matter where she hides in the US, the cops would find her. Arre taan mat pakdo, seedhi pakdo. Excuse me. देखो बेटा, मैं जानता हूं कि मैं इंडिया में ये सब काम नहीं करता, लेकिन अमेरिका में मैंने सीखा है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। बात को मत पलटिए पापा, अपने हेल्थ के बारे में तो सोचा होता। हाँ, हेल्थ एक इशू है। रोज 14-14 घंटे काम करना, एयर बैग में सोना, ये इशू है। लेकिन हेल्थ जो होती है वो फिजिकल लेबर से ज्यादा मेंटल स्टेट पर डिपेंड करती है। मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। आज से पहले मैं सिर्फ जिंदा था, लेकिन अब मैं जिंदगी जीने लगा हूं। ठीक है, मैं समझता हूं कि आप जिंदगी जीने लगे हैं, पर क्या जवाब दूंगा मैं अलका को कि मेरा बूढ़ा बाप अचानक बिना बताए घर से एक दिन भाग जाता है, और वो भी एक अनजान औरत के साथ। और फिर ये कार्निवल्स, ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल, सीरियसली पापा, आपको एहसास भी है ना कि आप रिटायर्ड आदमी हो? नौकरी से रिटायर हुआ बेटा, जिंदगी से नहीं। और मेरे हिसाब से रिटायरिंग क्या है? रिटायरिंग मतलब जिंदगी की गाड़ी के टायर्स को फिर से बदलना और एक नई जर्नी की तरफ निकल जाना। और फिर रॉकी ने कहा है ना, गोइंग इन फॉर वन मोर राउंड when you don't think you can makes all the difference in your life. Papa, phir se Rocky. You do realize, right? It's a movie. It's make believe. Sometimes we need a little make believe to believe in ourselves. Beta, mera phone kaam karne laga hai. Tum jab chaho mujhe phone kar sakte ho. Ra Alka aur bachchon ka sawal, tumko keh dena ki tumhare baap ne aaj tak zindagi sirf तुम्हारे लिए जी है, लेकिन अब वो कुछ दिन के लिए अपने लिए जीना चाहता है। मैं जानता हूं उनको ये बात समझ में आएगी, और अगर नहीं समझ में आई तो जब वो मेरी उम्र तक पहुंचेंगे तब समझ जाएंगे। ओके, टेंशन मत लो, आ जाए एक बार फिर। अरे हाँ तो सही, जोर लगा, पूरा जोर लगा, पूरा जोर लगा। Dad. All right, man, take it easy. All right, barkeep, see you later. All right, safe, brother. Guys, safe travels, man. Be safe, brother. Don't fall off that thing, all right? Yo, man, check this shit out. ये गुंडे टाइप लोग हैं, हम किधर से चलते हैं? तुम इस तरफ आ जाओ।
So now you two think you're settling down here? Don't you know you need a work visa to work in this country? Where's your passport? Wait, she lost her passport. Nah, you see, here's what's wrong with this country. People in this town, they can't find decent work. And look at this. Someone who jumps the fence yesterday is all settled in just like that. They got a place to stay. They got a bag full of food. Where are you people from in the Middle East? Libya? Syria? No, no, we are from India. India? क्या कर रहा है तेरे बाप तो है क्या नाइमा आई डोंट अंडरस्टैंड टंग स्पीक इंग्लिश नेक्स्ट टाइम आई सी यू टू हियर विदाउट एनी पेपर वर्क आई एम गोना सेंड यू टू अ प्लेस वेयर यू आर नॉट गोना नीड एनी गनीमत बोतल प्लास्टिक का था टूटा नहीं कितना कमीना लोग तुम्हें हो ना आज तो शास्त्रा जी भी पिएगा छोटा पैग होना कि बड़ा पैग होना छोटा छोटा होना डराता पानी मिला अरे दारू में पानी मिलाने का पानी में दारू नहीं मिलाने का प्रैक्टिस नहीं होने का एक बात पूछूं तुम बार बार बाथरूम क्यों जाते मुझे प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है प्रोस्टेट मतलब जैसे इंडिया में प्लास्टिक बॉल होता है वाटर टैंक में जो वाटर फ्लो कंट्रोल करता है वही प्रोस्टेट करता है मतलब टैंक का प्रॉब्लम है पाइप और टैप ठीक है पाइप और टैप एकदम फर्स्ट क्लास है सो जाओ दैट्स एन ओल्ड वीडियो मे बी अबाउट 5 to 6 years ओल्ड They were trying to convert some old tapes to digital and that's when they found this. The family tried to confront the lady and the next day she was gone. We just don't want her to hurt any other child. That's all we care about. Is this the lady who abused you? Okay. We're very sorry this happened to her. We'll send out a national alert on this lady and we'll bring her to justice soon. Thank you. क्या है यार ये एक मिनट जॉन ट्रावोल्टा लग रहे हो जी आप कौन है वो अरे How does she look? ओ मैं क्या वाओ थैंक यू अरे सिनेमन सिंह हम ये कपड़े क्यों पहन रहे हैं हम क्या किसी फैंसी ड्रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अंकल जी आज ना मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डे है आप दोनों को ना मेरे साथ एक डिनर अटेंड करना है अरे मगर ऐसे जोकर बन के कमाल है जोकर नहीं जी मेरे पेरेंट्स बनकर जाओगे और सिनेमन सिंह के पेरेंट्स तो स्टाइलिश लगने चाहिए थे सी क्यों जा रहे हैं हम क्यों बनेंगे हम तुम्हारे पेरेंट्स हाँ वो क्या है ना अंकल जी वो सिया दी मम्मी है ना वो मुझ पे कुछ खास ट्रस्ट नहीं करती है एक्चुअली शी डजंट ट्रस्ट देसीस असल में सिया के कमीने देसी बाप ने ना उसकी मम्मी के साथ बड़ा टाइम पास किया और जब वो प्रेग्नेंट हुई वो भाग लिया तो मम्मी जी को लगता है कि हर देसी ऐसा ही है मैं भी सिया के साथ ऐसे ही करूंगा उन्होंने तो दूसरी शादी भी गोरे के साथ की तो उनको कंफर्टेबल करने के लिए मैंने कहा मेरे पेरेंट्स यहीं रहते हैं अब लेट देम फील कंफर्टेबल दैट आई एम अ फैमिली मैन पर जब से मैंने कहा है मम्मी जी ने रट लगा दी आई वांट टू मीट द पेरेंट्स मीट द पेरेंट्स मीट द पेरेंट्स अब बताओ पेरेंट्स तो बच्चे पैदा कर सकते बच्चा पेरेंट्स कहां से पैदा करेगा
Thank you. Please enjoy this vegetarian meal that we prepared for you. Nice. This house is like a museum. I mean, is this real? Yeah. It's as real as you and me. See, I'm a hunter. I love waiting up in a tree for 3 days sometimes, just waiting for that deer to come by. You know? When we bagged this one, I mean, he was the size of a cow. Cow? Yeah. Wow. Do you hunt? No. I'm a Shastri, vegetarian Shastri. Oh, okay. Well, and I guess you understand that it's not necessarily about the kill. It's about how fast you can skin the animal and get the meat right off of it, you know? When we bagged this guy, I mean, we didn't have to go meat shopping for a week, right, honey? David, Why don't we let them talk? Where are you from in India? I'm from Madhya Pradesh, from Central India. And she's from South India, and our son from North India. Three different Indias? Actually, he's from the army, so he had to travel all over the India. That's why he's Central India, met mother in South. I was born in North. Right, Dad? Yes. See, we love a man in uniform, you know? It's always respect. I like that. See, a very good girl. Very good. We all like her. Yes, thank you. Sia is a good girl and innocent. That's why I want the best for her. I don't want her to make the same mistake I made. Excuse me. He has prostitute problem. Over here. I think she means frosty. Yes. That, yes. 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 Thanks, babe. Okay, babe, see you at the movies. See you soon. Bye. Bye. बाबू मैं गलती बोली ना आज सॉरी तुम बाथरूम नहीं जाता तो मैं सब ठीक करती थी मेरे को बाथरूम आया तो मैं क्या करता यार अरे आप दोनों ने ना बड़ी रियल एक्टिंग की जी अच्छा मैं तो जी बड़ा छोटा था जब मेरे मम्मी पापा की डेथ हो गई थी उनका प्यार क्या होता है पता ही नहीं था आप दोनों ने फील करा दिया जी आज थैंक यू अच्छा वो सिया के मम्मी पापा के साथ ना पिक्चर देखने जाना है तो मैं आप दोनों को ड्रॉप करता हूँ और गैस स्टेशन भी बंद कर देते हैं आज नहीं, चलो। नहीं तुम पिक्चर देखने जाओ वो कैस्पर घर पर अकेला है एल्सा को घर पे छोड़ दो मैं पेट्रोल पंप स्टेशन जो सब कुछ मैनेज कर लूंगा हाँ कर लेंगे हाँ लव यू शास्त्री जी What the hell do you want? All by your lonesome. I'll show you what I want. Yeah, right there. Boom. Yeah, baby. Boom. Go. Go.
So now you want to save him, huh? So now you're gonna pull a gun on us? You okay? Yeah, I'll be okay. Thank you. Now, how do I say that in your language? Dhanyavad. 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 Forget that. By the way, I didn't save you because I like you. I saved you because I didn't want a dead body outside my store. You better take care of that hand then. Yes. You take care of your face. Yeah, I think I'll do that. What's your name? It's Ken. Shiv Shastri. Shiv Shastri. Good to meet you. हवले हो गए क्या? तुमको मालूम क्या किए तुम? 911 को फोन करने को था ना? फोन ढूंढा था लेकिन फोन मिला नहीं. तो गन काहे को उठा लिए? उन लोगों को आपस में लड़ने मरने देते? अरे मगर तुम काहे को हीरो बन रहे? अगर वो बुलेट गैस स्टेशन को लग जाता तो पूरा दुकान में आग लग जाता. अरे गैस अंडरग्राउंड होता है, समझाओ उसको यार. बाबू कुछ समझा रहे क्यों नहीं तुम? आप करेक्ट कह रही हैं आंटी जी. अंकल जी ने बड़ा ही पागलपन का काम किया. लेकिन अंकल जी, मुझे नहीं पता था आपके अंदर असली रॉकी मौजूद है. मतलब वो गैंग सीनियर की शक्ल देखने लायक थी आंटी जी. ये देखिए, रोंगटे खड़े हो गए जी. देखिए जिस तरीके से आंखों में आंसू भर के उसने आपको थैंक यू बोला ना. अंग्रेजी झप्पी पालो जी आप, मतलब हीरो आप जी. झप्पी ले लो, तुम भी ले लो. Enjoy your coffee. Thanks a lot. Have a nice day, buddy. Excuse me. Shastri ji, bada complicated case ho gaya hai. Unhe abuse of a minor child ke case mein andar kitta hai ji. Bail bhi nahi mil sakti. Abuse of a minor child matlab? Wo jahan pehle shayad wo kaam karti thi wahin par, aur ye interstate crime hai to unhe county jail mein move kiya jayega jab tak ki bachcha unhe identify nahi kar leta. Cinnamon, mera Elsa se milna bahut zaruri hai. Please. मैं करता हूँ जी कुछ. थैंक यू. You have 5 minutes. Yes. Thank you. मेरे को यहाँ से बाहर निकालो शास्त्री जी. मैंने एक केस क्राइम किया
अपनी फैमिली का ध्यान रखा, उनका देखभाल किया, उनको अपना जैसे मानी। मेरे भरोसा रखो शास्त्रा जी, मैं कुछ गलत नहीं किया। मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हें इंडिया के प्लेन में बिठा के रहूंगा और मैं ऐसा जरूर करूंगा, पर वो मुझे कम वक्त दिए हैं। वो सिनेमन कह रहा था कि कोई वीडियो टेप की बात चल रही थी, क्या है वो? मैं आपको एक बार बोली थी ना, माया ने मेरी पोती की फोटो पे मुझे बनाई थी। क्यों करी ना, क्यों करी ऐसा? एक ऐसी फोटो था मेरे पास, मेरी ईसा मिल का, कोई और नहीं मिला तेरे को। ये हो के 2-5 साल हो के अब क्यों खिच खिच कर रहे? Time up. Let's go now. तुम परेशान मत होना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा। रो मत। Let's go, let's go. You have been charged with abuse of a minor. How do you plea? Your Honor, the state recommends that she be denied bail as she is a flight risk. You're denied bail. You'll be placed in a county facility until a month's time. अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अब क्या करेंगे? ऐसे केस में ना अंकल जी, गवर्नमेंट आपको अपनी तरफ से लॉयर देती है लड़ने के लिए। वो अच्छे होते? 50-50 वाला मामला है अंकल जी। पर हाँ, एक गुड न्यूज, आंटी जी का पासपोर्ट। अभी तो जेल में भी आ गई, यूएसए की जेल में। पता नहीं लाइफ कहां कहां ले जाएगी मेरे को। बस एक ही दुख है, अगले फ्राइडे को मेरी पोती की सालगिरह है, यहां से निकलती कि नहीं उसको मेरा एक मैसेज देते। मेरी तरफ से बर्थडे विश कर दे। सोचिए इस बार उसको सरप्राइज दूंगी। मुझे क्या पता था मेरे को ही सरप्राइज मिलने वाला है। हेलो, मैं इसाबेला से बात कर सकता हूँ? कौन बोल रहा है?
मुझे उसकी ग्रैंड मदर एल्सा का मैसेज देना है इसाबेला को। बोल कौन रहा? मैं उसका फ्रेंड बोल रहा हूँ, शिव शास्त्री। अरे उनको बोलो कि जल्दी काम पे वापस घर जाने को, वो सब लोग अच्छे हैं। क्या कर दिया के? अरे उसको फैमिली की जरूरत है, सबको फैमिली चाहिए होती है। तो मेरी और मेरी बेटी का इतना ही परवाह है तो पैसे भेजे बोलो। हेलो हेलो, सो लिसन, ग्रैब द बैकअप लाइनबैकर for Minnesota. Crap, I can't remember his name. No, I'm blanking. It'll come to me. Yeah, look, I gotta go. I got somebody here. Yeah, how can I help you? I'm here for the case of Elsa. Elsa? It is the case about child abuse, sir. Child abuse. This is a tough case. There's just so much you can do when there's strong evidence. Actually, sir, I was doing a research and I have got those papers with me. Scott Hendricks. That's the guy I was telling you about. Yeah, just grab him, dude. Really. अरे कैप्सूल खाना छोड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ करना है तो एल्सा के लिए प्रे करो कि वो लड़की उसके हक में स्टेटमेंट दे। सब कुछ उसके बयान पर डिपेंड करता है। अगर उसने जज के सामने बोल दिया कि एल्सा ने ही उसे अब्यूज किया है तो सब कुछ खत्म, उसे 6 साल की कैद हो सकती है। माया, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, तुम्हें बस उसे पहचानना, रेस्ट अंकल विल टेक केयर, ओके? That's exactly what she's going to do. Right, Maya? पिछले 8 साल से एल्सा तुम्हारे घर में रह रही थी, अपनी फैमिली से दूर, अपनी ग्रैंड डॉटर से दूर। उसके अकेलेपन का सहारा थी ये तस्वीर। मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने जानबूझकर इस पर ड्रॉ किया, लेकिन शी लॉस्ट हर टेंपर। माया, हम लोग ना उस जनरेशन से हैं जहां हमें लगता है कि जो चीज एक लंबा लेक्चर नहीं सिखा सकता वो एक थप्पड़ सिखा सकता है। आई एम नॉट सेइंग व्हाट शी डिड वाज राइट, बट शी अपोलोजाइज्ड, डिडंट शी? यूर ए ग्रोन अप गर्ल, माया, अ रिस्पॉन्सिबल गर्ल, आई होप। यू नो दैट तुम्हारी एक स्टेटमेंट पर डिपेंड करता है कि एल्सा अपनी पूरी जिंदगी जेल में गुजारेगी या अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ। मैं नहीं जानता ये मेरा भाषण था या बाइकर्स के मसल्स की ताकत, पर माया ने एल्सा को पहचानने से इनकार कर दिया। माया के मां बाप ने कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करना बेहतर समझा और इस सेटलमेंट में एल्सा को मिले $100,000। और ऐसे मिली एल्सा को आजादी। यहां मैंने अपने बाइकर फ्रेंड्स को दिया हुआ वचन भी पूरा किया, मेरा पहला टैटू। First off, I'd
I'd like to say thank you all for coming. Mr. Shastri and Elsa are headed home. And I just want to say we are so happy that you stopped in our town and we got to know two beautiful souls. And Elsa, if I ever find that thief that stole your purse, I'm going to give him a hug and I'm going to thank him. Cheers. Come on, make it fast, Fatso. माँ अर्जुन ने अपने ग्रैंडफादर की एडवाइस को रिजेक्ट किया और रॉकी के ग्लव्स का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया। The biggest risk a person can take is to do nothing. Flight. Regular boarding will begin in approximately 45 minutes. Thank you and have a pleasant flight. मैं तेरे को बहुत मिस करती। तू मेरे साथ इंडिया चल। मैं तेरे को मटन चिकन सब खिलाती। इनकी तरह घास फूस नहीं खिलाती। इसको ललचाना बंद करो। अब यही तो बचा है मेरे लिए। तुम तो जा रही हो। Right capsule? शास्त्रा जी तुम मेरे लिए इतना करा, मैं कुछ भी कर लूं कमी छोड़। समझ में नहीं आ रहा कैसे आपको थैंक यू बोलूं। मेरा नाम ठीक से बोल कर, शास्त्री जी, शास्त्री जी। थैंक यू शास्त्री जी। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। तुम्हें मालूम है जब मैं राहुल के घर अकेले बैठकर खिड़की से बाहर झांक कर देखता था तो एक पेड़ की डाल पर मुझे एक चिड़िया नजर आती थी। वो घंटों आसमान में घूमती रहती थी पूरा दिन, लेकिन शाम को वापस आकर उसी पेड़ की डाल पर बैठ जाती थी। मुझे तुम्हारे साथ आसमान में घूमने का मौका मिला, दुनिया देखने का मौका मिला, लेकिन अब मैं वापस अपनी पेड़ की डाल पर बैठने से पहले अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उड़ान भरना चाहता हूं। समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे। मैं मेरी गुड विशेष हमेशा तुम्हारे साथ। खूब उड़ो। Happy journey.
वेलकम बैक। और आज मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं एक ऐसे इंसान से जो रॉकी फिल्म से इतना इंस्पायर हुआ कि उसने अपनी जिंदगी बदल दी और कई दूसरों की जिंदगी भी बदल दी। इन्होंने एक लोकल बॉक्सिंग क्लब बनाया, हिंदुस्तान को जितेंद्र जैसा गोल्ड मेडलिस्ट दिया। शिव शास्त्री खुद बॉक्सर नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े बॉक्सर बनाए। इन्हें प्यार से लोग कहते हैं शिव शास्त्री बेल्बोआ। की भी तो सोच जरा सी, सोच ऐसी नौबत आई क्यों। बेफिक्र थी तेरी सांसें, हांफती है क्यों घबरा के, खुद को कैसे भूल गया रे तू। आसमां का एक परिंदा तू, यहां बुलंदी भूल गया है तू। Fight for your rights, you know you wanna win big. Like a cassette, cut open all the shindig. It's all in the flow, you never know when you need to be a Balboa on the go. You wanna be a showstopper, never stopping the show. Be like the Ark of Noah, sorry, make it alone. Never give up, you gotta live up to the dream. Like we've seen when the world was tearing you at the seams. And it seems it never gets better, never old. But when you look within, you find a heart of gold, yeah. Chino Kilena, jo tera hai haq, yeah. Bring in the Sena, the Rani and Rook. This is a game of chess, not a game of luck. I got my eyes on the prize, but I don't give up. आसमां का एक परिंदा तू, यहां बुलंदी भूल गया है तू। Fight for your rights, you know you wanna win big. Like a cassette, cut open all the shindig. It's all in the flow, you never know when you need to be a Balboa on the go. You wanna be a showstopper, never stopping the show. Be like the Ark of Noah, sorry, make it alone. Never give up, you gotta live up to the dream. Like we've seen when the world was tearing you at the seams. And it seems it never gets better, never old. But when you look within, you find a heart of gold, yeah. China Kilena, Jotera hai haq, yeah. Bring in the Sena, the Rani and Rook. This is a game of chess, not a game of luck. I got my eyes on the prize, but I don't give up. Befikar thi teri saansein, haanfti hai kyun ghabra ke, khud ko kaise bhool gaya re tu. Aasmaan ka ek parinda tu, yahan bulandi bhool gaya hai tu.